नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक घिनौनी घटना सामने आई है। सोमवार को पुलिस ने बेंगलुरु के वीवी पुरम कॉलेज के पास छात्राओं के सामने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने कॉलेज की युवा छात्राओं को चौंका दिया और वह सहम गई। अपराधी, जो अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर स्कूटर पर सवार था, महिला कॉलेज के आसपास के इलाकों को निशाना बनाता था, जहां कई युवतियां इकट्ठा होती थी। इंटरनेट पर सामने आए एक वीडियो के अनुसार यह व्यक्ति कॉलेज के पास अपना स्कूटर पार्क करता था और जब छात्राएं वहां से गुजरती थी तो उनके सामने अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर अभद्र व्यवहार करता था। बता दें कि वह व्यक्ति जब छात्राएं देखती थी तो अपने प्राइवेट पार्ट को निकालकर स्कूटर पर बैठ जाता था, जिससे कई युवतियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जब उसका सामना होता तो वह मौके से भाग जाता था, लेकिन एक पीड़िता ने जब अपने मोबाइल फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड किया और पुलिस को सूचना दी, तब जाकर वह व्यक्ति पकड़ में आया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार वीवी पुरम कॉलेज के पास की घटना तब प्रकाश में आई जब छात्राओं ने उस व्यक्ति को रोका और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने पुलिस को यह सबूत मुहैया कराया और कार्रवाई करने का आग्रह किया। वीवी पुरम पुलिस ने इस सूचना के बाद इलाके से कई सीसीटीवी फुटेज समेत सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध को हिरासत में लिया है। व्यक्ति के अश्लील व्यवहार को दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे उसे हिरासत में लेने का दबाव बढ़ा है। आरोपी की पहचान 48 वर्षीय अय्यूब उर रहमान के रूप में हुई, जो कल सिप्याला में एक चाय की दुकान चलाता है। अपनी उम्र के बावजूद अय्यूब ने छात्राओं के साथ इस तरह का गलत व्यवहार किया, जिनमें से कई उसकी बेटी की उम्र की भी थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दोस्तों पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।